सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नजर मार लेनी है सुर्खियों दे वल। बेगम मुनवर निशा ने फानी संसार नु कहा अलविदा, हजरत हलीमा हस्पताल चले आखिरी सा, नमाज तो बाद 3 बजे किया जाएगा सपुरदे खाक। विक्रमजीत सानी ने कनेडा लई मुड़ वीजा शुरू करने लई विदेश मंत्रालय की की प्रशंसा, जरूरी कामां लई फौरी ई वीजा नु भी दोबारा किया जाए शुरू, इंडो कैनेडियन भाईचारे नु शांति बना के रखने की की अपील। राजपाल बनवारी लाल दी सीएम मान नु एक होर चिट्ठी, मोहाली तो एमएलए कुलवंत सिंह दी कंपनी ते चुके सवाल, मुख्यमंत्री नु कार्रवाई दी रिपोर्ट भेजने लई की ताकीद। साहिबजादियां दे हक विच हा दा नारा मान वाले नवाब शेर मुहम्मद खान दे परिवार दी आखरी बेगम मुनवर निशा ने फानी दुनिया नू अलविदा आख दिता। शहर मलेरकोटला दे हजरत हलीमा हस्पताल चुनाने आखरी सां ले मुनवर निशा नू कई दिनां तो तबीयत खराब होण कारण हस्पताल च दाखिल करवाया गया सी। उन्हां दे चले जाण कारण पूरे शहर च सोग दा माहौल है। बेगम मुनवर निशा की उम्र 100 साल तो उपर सी ते राजस्थान की टांक रियासत नाल संबंध सी। मलेरकोटला विखे नवाब शेर मुहम्मद खान के आखिरी नवाब इफ्तखार अली खान की पत्नी बन के मलेरकोटला विखे आए सन। उन्होंने इंतकाल तो बाद मलेरकोटला का नवाबी खानदान खत्म हो गया। पिछले एक हफ्ते तो बेगम इन्फेक्शन से वायरल नाल पीड़ित सन, जिन्होंने इस बीमारी के चलद हजरत हलीमा हस्पताल विखे दाखिल करवाया गया, जिथे सवेरे तड़के 4 बजे उन्होंने आखिरी सह लेने। उन्होंने सपुरदे खाक जुमारतुल्ला मुबारक की नमाज तो बाद 3 बजे किया जाएगा। पंजाब तो संसद मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने भारत ते कनेडा दरमियान मैडिकल व्यापार एंट्री ते कॉन्फ्रेंस वर्गियां जरूरी श्रेणियां लई वीजा सेवावां मुड़ शुरू करन दे फैसले लई विदेश मंत्रालय दा धन्नवाद कीता है। सानी जो वीजा सेवावां मुड़ शुरू करन दे यतना दी पैरवी कर रहे ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण कदम दोवां देशां दे व्यक्तियां ते संस्थावां द्वारा कीतियां गईयां कई बेनतियां दे हुंगारे वजों लिया गया। इन्हां श्रेणियां दी महत्ता नूं स्वीकार करदे हुए सानी ने बेनती कीती है कि जरूरी कामां लई फौरी ई वीजा नूं भी दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। इस हां पक्षी फैसले के मद्देनजर सानी ने इंडो कैनेडियन भाईचारे नूं शांति अते सद्भावना बनाई रखने विच अपनी भूमिका प्रति सुचेत रहने की अपील की। कांग्रेस के जनरल सकत्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा च इजराइल के हमले च बच्चों समेत हजारा नागरिकां दे मारे जान ते दुख जताउंदिआं कहा कि हर अंतरराष्ट्रीय कानून कुचलिया गया। उन्होंने सवाल भी किया कि आखिर इंसानियत कदों जागेगी। प्रियंका ने एक्स ते पोस्ट किया है, गाजा च 7,000 मनुखां दे कतल तो बाद भी हिंसा दा दौर रुकिया नहीं, उन्हां 7,000 लोकां चो 3,000 मासूम बच्चे सन। उन्होंने दावा किया कि कोई अजिहा अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं जिसनों कुचलिया ना गया होवे, कोई अजिही मर्यादा नहीं जिसनों तार तार ना किया गया होवे, कोई अजिहा कायदा नहीं जिस दियां धज्जियां ना उड्डियां होण। उन्होंने सवाल किया कि इंसानियत कदों जागेगी। फिलिस्तीन दे खबे पक्षी संगठन हमास दे हमले च अपने सैकड़े नागरिकां दे मारे जाण तों बाद इजराइल ने गाजा पट्टी ते हवाई हमले शुरू किए। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक होर चिट्ठी मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाते लिखी है। इस विच उन्होंने मोहाली तो विधायक कुलवंत सिंह दी अगवाई वाली रियल एस्टेट कंपनी खिलाफ शिकायत की है। राजपाल ने स्पष्ट किया है कि यह शिकायत उन्हां कोल केंद्रीय वातावरण मंत्रालय ने की है। राजपाल की शिकायत दो प्रोजेक्टां नूं लैके जिसनूं मोहाली दे विधायक की कंपनी बना रही है। शिकायत च कहा गया है कि सिविल अथॉरिटी पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ते स्टेट लैवल इनवायरमेंट इंपैक्ट असैसमेंट अथॉरिटी नूं नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई करने लिए किया जाए। राजपाल वालों मुख्यमंत्री नूं इस शिकायत ते कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने नूं कहा है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केदारनाथ धाम पहुंचे। इथे पहुंचदिया ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हां दा स्वागत किया। बाबा केदार दे दर्शन करन तो बाद उपराष्ट्रपति बद्रीनाथ धाम पुजे। कुछ समा सेफ हाउस च रहने तो बाद मीत प्रधान जगदीप धनखड़ दर्शनाली मंदिर के अंदर पहुंचे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पूजा करन तो बाद पौने 12 बजे देहरादून लिए रवाना हुए। उन्हां दी फेरी कारण बद्रीनाथ मंदिर कंपलैक्स नूं करीब 3 घंटे तक जीरो जोन विच तब्दील किया गया। अभिषेक पूजा तो बाद सवेरे 8 बजे तो आम यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई। सुरक्षा कारण करके साकेत तिरहे तो लैके मंदिर कंपलैक्स तक पुलिस तैनात की। हाई कोर्ट के एक हुक्म च हुई गलती कारण पंजाब च हड़कंप मच गया। दरअसल जलंधर के एक प्रेमी जोड़े ने खरड़ के गुरुद्वारे च ब्याह करवा के सुरक्षा की मांग संबंधी हाई कोर्ट च पटीशन दायर की सी। पटीशन का निपटारा करदे हाई कोर्ट ने जलंधर के SSP नूं दोहां दी जान माल की सुरक्षा ते आजादी यकीनी बनाउण दा हुक्म दिता सी। दरअसल पटीशन करता प्रेमी जोड़ा सी, जिस च कुड़ी दा नां रणजीत कौर ते मुंडे दा नां मनदीप कुमार सी। पर हाई कोर्ट वालों जारी हुक्मां च गलती नाल मुंडे दा नां मनदीप कौर लिख दिता गया। खबर प्रकाशित होने तो बाद इस गल की चर्चा छिड़ी कि किस तरह एक गुरुद्वारे दे विच दो कुड़ियां दा विआह हो गया। आनंद कार्ज कराने वाले पाठी खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई, जिसनों समाजिक परेशानी का शिकार होना पिया। पटीशनर दे वकील संजीव कुमार विरक ने कहा कि इस क्लैरिकल गलती नूं ठीक कराने लई हाई कोर्ट च अर्जी दायर कर। थाना तलवंडी चौधरी अधीन पेंदे पिंड शालापुर बेट नेड़े दो धिरां विच होई लड़ाई होने की खबर सामने आई है। इस दौरान कार चालक व्यक्ति वालों दूजी धिर के नौजवान नूं कार दे बोनट ते ही 10 किलोमीटर तक घुमाउण दा मामला चर्चा का विषय बनिया होया। इस दौरान दोहां धिरां दे जख्मी होण दीआं खबरां ने, जिन्हां विचों एक नौजवान हरमनप्रीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी पिंड बस्ती गांधा सिंह वाला टिब्बा के हस्पताल विखे दाखिल है, जदों कि दूजी धिर का बलजिंदर सिंह जो कि अध्यापक है ते बस्ती गांधा सिंह वाला का निवासी है सिविल हस्पताल कपूरथला विखे जेरे इलाज है। हरमनप्रीत सिंह एक निजी अकैडमी विच आईलेट ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਪ੍ਰੀਟ ਅਸੀਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। गुरदासपुर की सदर पुलिस ने 3 नौजवानों को बबरी नाके तो 55 ग्राम हैरोइन समेत गिरफ्तार किया। इन मुलजमान विचों एक ते पहला भी कई मामले दर्ज ने। इस संबंधी जानकारी देंदिया सदर थाने के SHO मनदीप सिंह ने दसिया कि नाकाबंदी दौरान बबरी बाईपास इलाके से एक गड्डी अमृतसर वाली साइड तो आ रही थी। उन्होंने रोक के जदों चैक किया तो चैकिंग दौरान उन्होंने कोलों 55 ग्राम नशीला पदार्थ मिले, जिस तों बाद इन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ये जी साढ़े मानयोग SSP साहब के दिशा निर्देशों मुताबक जिहड़ा वा गुरदासपुर पुलिस जिहड़ा नशे नू खत्म करन लई समय समय ते जिहड़ियां अपनी ड्यूटी करदी आ, असीं नाकाबंदी करके कल बबरी नाके ते उत्थे इक गड्डी आ रही सी अमृतसर वाली साइड तों, उहनू रोक के जदों चैक कीता उहदे 3 मोने नौजवान सी, जिन्हां नू सानू चैकिंग दौरान उहनां दे कोलों 55 ग्राम ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਯੋਗ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। जलंधर के रामनगर इलाके विच साले वालों अपने कुछ साथियों नूं नाल लैके अपने जीजे के घर अंदर दाखिल होकर हमला कर दिया गया। हमले विच एक व्यक्ति गंभीर रूप में जख्मी हो गया, जिसनूं इलाज लई नजदीकी हस्पताल भर्ती करवाया गया। जख्मी नौजवान ने दस्सिया कि उसका अपनी पत्नी नाल तलाक का केस चल रहा है, जिसके चलते कई बार उसकी पत्नी ते भरा ने उसते हमला किया, जिसकी शिकायत उन्हें पहला भी पुलिस नूं दित्ती। उन्होंने पुलिस तो इंसाफ की मांग।
सरकारी मिडल स्मार्ट स्कूल ओड़पुर ब्लाक टांडा जिला हुशियारपुर विखे बच्चों ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी देने लिए ट्रैफिक जागरूकता मुहिम चलाएगी, जिस विच थाना टांडा के ट्रैफिक इंचार्ज एसआई मनजीत सिंह ने बच्चों के रूबरू हुए उन्होंने ट्रैफिक नियमों संबंधी बेहद जरूरी से जानकारी भरपूर ज्ञान दिता। इस उपरंत बच्चों वालों ट्रैफिक नियमों संबंधी एक चेतना रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अगवाई स्कूल मुखी हरमिंदर सिंह ने की। इस तों बाद एसआई मनजीत सिंह नूं स्कूल मुखी ते समूह स्टाफ द्वारा सन्मानित किया गया। एक बार फिर नजर मार दिया हुण तक दियां सुर्खियां दी। बेगम मुनवर निशा ने फानी संसार नूं कहा अलविदा, हजरत हलीमा हस्पताल च ले आखिरी सां, नमाज तो बाद 3 बजे किया जाएगा सपुरदे खाक। विक्रमजीत सानी ने कनेडा लई मुड़ वीजा शुरू करने लई विदेश मंत्रालय की कीती शलाघा, जरूरी कामां लई फौरी ई वीजा नूं दुबारा किया जावे शुरू, इंडो कैनेडियन भाईचारे नूं शांति बना के रखने की कीती अपील। राजपाल पुरोहित दी सीएम मान नूं इक होर चिट्ठी, मोहाली तो कुलवंत सिंह दी कंपनी दे चुके सवाल, मुख्यमंत्री नूं कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने लई कीता ताकीद। और नजर मार दें अज के मौसम के हाल के बाद। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होता है, नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।